युद्ध लगे भारतीय प्रशासनिक सेवा का परीक्षा परिणाम हुआ था, जिसमें सर्वाधिक कहे तो राजस्थान के कई छात्रों का जो अभ्यर्थी थे उनका चयन हुआ है। जोधपुर से जयंत चारण है, उनका 388 रैंक पर चयन हुआ है और उन्होंने हमेशा ही लगन के साथ अध्ययन किया, उसकी बदौलत फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरे देश में 388 रैंक आई है। आज वे बालोतरा प्रवास पर आए, यहाँ पर महंत श्री परशुराम गिरी जी से आशीर्वाद दिया है। हमारे साथ है जैन जी, पहले तो बधाई होगी 388 रैंक ऑल इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्योंकि आईएएस बहुत बड़ा नाम होता है और सिविल सर्विस के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 388 रैंक आया। मैं कहूँगा ये ईश्वर की कृपा है और बाप जी का आशीर्वाद है कि मैं यह सफलता पा सका हूँ। और मेहनत तो आवश्यक है ही, लेकिन उसके साथ ही बड़ों का आशीर्वाद और भगवान की कृपा और संत महात्मा का आशीर्वाद काफ़ी आवश्यक है और उसी की बदौलत यह पूर्ण हो पाता है। आपने किस तरीके से पढ़ाई की है, जैसा कि ग्रामीण परिवेश से है, इस बार मारवाड़ से भी काफ़ी लोग आईएएस में चयन हुए, कैसे आपने पढ़ाई की और आईएएस का सपना कब बना था कि मैं आईएएस? आईएएस का जो सपना था, एक बार ऐसे ही मेरे जो दादाजी थे उन्होंने मुझे कहा था कि बड़े होकर जो है तुम सरकारी नौकर बनोगे। उस समय नौकर का अर्थ नहीं पता था, मुझे लगा नौकर नौकर ही होता है, लेकिन बाद में मुझे समझाया गया कि सरकारी नौकर का अर्थ क्या होता है और उसका क्या कार्य होता है। वहीं से प्रेरणा लेके मैंने यह सोचा कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है और लोक सेवा में अपना जीवन यापित करना है। और जहाँ तक तैयारी की बात है, तैयारी के लिए मैं कुछ वर्ष दिल्ली में था, उसके बाद मैं जयपुर में था और जो ऑनलाइन माध्यम है उसका काफ़ी भरपूर प्रयोग किया था मैंने, क्योंकि सेल्फ स्टडी की थी ऑप्शन को छोड़ के, तो ऑनलाइन माध्यम को प्रयोग में लेना बहुत ही आवश्यक था मेरे लिए। और कई सारे मेरे दोस्त थे, मेरे जो घर वाले थे और बहुत सारे जो लोग थे जिन्हें जिस किसी भी फील्ड का ज्ञान था, मैं उनसे बात किया करता था क्या समस्याएं हैं, क्या अवसर हैं, कैसे इनको हल किया जा सकता है। कई प्रकार के जो आयामों से एक विषय के बारे में सोचना काफ़ी आवश्यक है और यही चीज़ें जो होती है आपकी इस तैयारी में आपको बहुत मदद करती है। जैन जी, जिस तरीके से आपके स्टूडेंट्स पढ़ते भी हैं और वो सपना भी रखते हैं कि आपकी तरह बने, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना, और उनके लिए क्या प्रेरणा या क्या संदेश दोगे कि किस तरीके से पढ़ें? या आपने भी ना तो कोई अनुभव था, क्योंकि कई बार 10-10 अटेम्प्ट होने के बाद भी चयन नहीं हो पाता है। मैं कहता हूँ कि जब भी सिलेक्शन की बात आती है तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन आप खुद कर पा रहे हो कि नहीं। आत्मविश्वास की कमी होती है जब भी एक बच्चा ऐसे परिवेश से आता है, ग्रामीण परिवेश से आता है, तो लगता है कि क्या मैं इस कंपटीशन में बैठ सकता हूँ और बैठना ही नहीं, फाइट कर सकता हूँ, सफलता अर्जित कर सकता हूँ कि नहीं। तो अगर आप अपने आप को आत्मविश्वास दिलवा सकते हो तो आप सर्वप्रथम अपने आप को इस लोक सेवा के लिए सेलेक्ट कर रहे हो, उसी के बाद आप जा सकते हो बोर्ड वालों के सामने या कह सकते हो कि मैं इस सेवा के लिए योग्य हूँ और अब आप मेरा चयन कीजिए। तो सर्वप्रथम मुझे लगता है कि आत्मविश्वास की जो कमी है उसको दूर करना बहुत ही आवश्यक है और उसके पश्चात मेरा मानना है कि सब कुछ सफल हो जाएगा। निश्चित तौर पर सब कुछ सफल हो जाएगा जैन जी। मुख्य रूप से आप देखें तो जो अपन पढ़ाई करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपने कहा कि सर आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के साथ साथ और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिन पर विद्यार्थियों को मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपनी लगातार पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकें? जब यूपीएससी की बात आती है तो अगर आप उसका प्रश्न पत्र देखेंगे तो समाज का कोई भी व्यक्ति जो होगा, जो सामान्य तरीके से अखबार पढ़ता होगा, लोगों से बातचीत करता होगा, वह उस प्रश्न पत्र को देख के कुछ न कुछ उसके बारे में विचार रख सकता है। तो अगर
देश दुनिया में होने वाली चीजों के बारे में हमारे पास कुछ विचार है जो हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उसको कई सारे अलग अलग आयामों से एक ही विषय को देख सकते हैं। और इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम किताबों की सहायता लें, इसके लिए आवश्यक है आप पत्रकारिता जैसे करते हैं तो आजकल प्रेस फ्रीडम की बात रहती है, तो मुझे अगर मैं आपको जानता हूं तो आपके पास आना चाहिए और अवश्य ही 10 चीजें ऐसी होगी जो आप मुझे बताएंगे और वो चीजें आपके बारे में जानना, आपके प्रोफेशन के बारे में जानना, कुछ कमियां होगी, बहुत सारी अच्छाइयां होगी, कुछ चैलेंजेस होगी, इन सारी चीजों को जानना बहुत आवश्यक है। जितने भी प्रकार के लोग आपको मिलते हैं वो जिस किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं आप उनके बारे में जानिए, अगर कोई रोड बना रहे हैं तो उसके बारे में जानिए, अगर वहाँ पे कोई ट्रेन चला रहे हैं उसके बारे में जानिए, कोई संस्था चला रहा है गरीबों के लिए उसके बारे में जानिए, कोई हम देखते हैं यहाँ डेजर्ट वाला एरिया है तो इसमें खेती कैसे होती है उसके बारे में जानिए, समस्या देखिए। तो इस प्रकार से अगर हमें हर विषय के बारे में एक बड़ी सोच से, एक जो सिविल सर्वेंट होता है, एक सरकार का हिस्सा समझ के अपने आप को हम अगर देश निर्माण में लगेंगे उसी समय से, सिलेक्शन होने से पूर्व, सिलेक्शन होने के बाद में तो हमें उस सोच में आना ही है, परंतु सिलेक्शन से पूर्व अगर हम यह सोचें कि अगर हम प्रशासन का हिस्सा होते तो हमारा क्या रवैया होते, तो हम इस मुद्दे को कैसे हल करते, वह बहुत आवश्यक है। और अगर ये चीज आ जाती है तो आगे सरल हो जाता है। निश्चित तौर पर जैन जी ने बताया, जैन जी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन रही तुम्हें आईएएस पर? जहाँ तक की प्रेरणा की बात आती है तो मैं कहूँगा मेरे जो दादाजी हैं वही मेरे प्रेरणा स्रोत थे, उन्होंने ही मुझे हर चीज़ के बारे में बताया कि क्या है क्या नहीं, कैसे समाज की सेवा आवश्यक है, और मेरे परिवार के सदस्य जो हैं, मेरे जो ग्रामवासी जो हैं, मेरे समाज के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, और जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे हमेशा जब मैं बचपन में विद्यालय जाता था तो भारत माता की एक तस्वीर होती थी, सरस्वती माता की और ओम की, तो हमेशा से यह सिखाया गया है कि भारत माता की सेवा करना कितना आवश्यक है। और जब भी मैं बैठता था पढ़ने के लिए तो मेरे लिए जो प्रेरणा के लिए जो चीज़ें होती थी वह होती थी जब मैं अखबार पढ़ता हूँ तो देखता हूँ कुछ न कुछ समस्या है वहाँ पे और वह हल नहीं हो पाई है पिछले दशकों से, तो अगर राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ करना है, देश सेवा के लिए कुछ करना है तो इस माध्यम का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। तो यही प्रेरणा लेके मैंने इसके लिए अटेम्प्ट किया और भगवान की कृपा से यह कर पाया। निश्चित तौर पर जैन जी ने पूरी बात बताई, किस तरीके से आत्मविश्वास के साथ साथ आपको किताबों की दुनिया से बाहर निकल कर सोचना होगा तभी आप सफल हो पाएंगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए बालोत्रपाड़ में से बंजी चौधरी।